कोहिनूर बदनसीब हीरे। आज हम चर्चा करेंगे उस कोहिनूर हीरे की जो दुनिया के मशहूर हीरों में शुमार है। इस हीरे की कहानी तो रहस्यों और बदकिस्मती से भरी पड़ी है। कोहिनूर का पहला जिक्र 13वीं सदी में मिलता है, जब ये आंध्र प्रदेश के काकतीय राजवंश के हाथ में था। फिर दिल्ली सल्तनत का दौर आया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। मुगल साम्राज्य में कोहिनूर को शाहजहां के मयूर सिंहासन में जड़ दिया गया। 1739 में फारसी हुकूमत नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और इसे अपने साथ फारस ले गया। इसी वक्त इसे कोहिनूर नाम दिया गया, मतलब रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की हत्या के बाद ये अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा। फिर सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान बादशाह शाह शुजा से इसे छीन लिया। रणजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा करते ही इसे अपने कब्जे में ले लिया और रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया। आजकल ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन के टॉवर में सबके देखने के लिए रखा गया है। कोहिनूर के साथ एक बदनसीबी भी जुड़ी है कि कोई भी मर्द इसे पहनकर मुसीबतों और दुखों का सामना करेगा, सिर्फ भगवान या कोई औरत इसे बेफिक्री से पहन सकती है। कोहिनूर की ये यात्रा इतिहास के उलझे हुए और अक्सर खूनी सत्ता पलटों को दिखाती है। ये सिर्फ धन दौलत का निशान नहीं बल्कि इस इलाके के पेचीदा और अक्सर गमगीन इतिहास का भी प्रतीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। शुक्रिया।